पहली चीज, कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें, जैसे कोई वॉल है, कोई प्लेट है, इस प्लेट पे, इस प्लेट का साइज ए और ए क्रॉस बी है, ठीक है, और खूब सारी बॉल्स टकराती हैं जा करके, बॉल्स टकरा जाती हैं, बॉल्स की स्पीड वी है टकराने की, ठीक है, और एक बॉल का मास एम है और एक सेकेंड में एन बॉल्स टकरा जाती हैं, एन बॉल्स स्ट्राइक टू प्लेट, स्ट्राइक टू प्लेट एंड रिबाउंड, स्ट्राइक करती है और रिबाउंड कर जाती है विद सेम स्पीड, विद सेम स्पीड, ठीक है। फाइंड, अब बताओ इस प्लेट पे जब जाके ये बुलेट्स टकराएंगी, ये बॉल्स टकराएंगी, तो प्लेट वहीं बना रहेगा या फिर आगे जाएगा, या फिर वहीं बना रहेगा, आगे जाएगा। मैं अगर चाहता हूं कि उसे वहीं पकड़े रहूं तो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना लगाना पड़ेगा, जितना है बुलेट्स लगा रही थी उतना ही लगाना पड़ेगा इधर की तरफ, है कि नहीं। तो पूछेगा फाइंड फोर्स नीडेड टू कीप प्लेट एट रेस्ट, प्लेट को रेस्ट पे रखने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए, एक बॉल, एक बॉल क्या करती है, ये वॉल से टकराती है, आती है वी से और जाती है वी से, है कि नहीं। तो कितना लीनियर मोमेंटम आते वक्त था एम वी और जाते वक्त एम वी, तो नेट चेंज कितना हो गया, जीरो का, जीरो का। सुनो इसका, ये बैठे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा में, जीरो का, हाँ हाँ वो तो है ही, क्योंकि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है तो ये होगा, बैठे हुए सुबह सुबह अड्डा जमाए हुए ये। डेल्टा पी इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी भैया, आलू गोभी नहीं है, समझे। पी फाइनल माइनस क्या, पी इनिशियल, क्या समझे, पी फाइनल कितना होगा, माइनस की तरफ है, माइनस एम वी, और माइनस पी एम वी किधर है, पी इनिशियल प्लस एम वी, नहीं समझे, पी फाइनल इधर की तरफ है माइनस एम वी, और ये पी इनिशियल एम वी, तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल की वैल्यू इतनी है, पी इनिशियल की वैल्यू इतनी है, तो कितना आ गया, माइनस टू, माइनस क्या बताता, नेगेटिव की तरफ। तो डेल्टा पी, ये तो हुआ एक बॉल का लीनियर मोमेंटम इतना चेंज हुआ, लेकिन ऐसी ऐसी कितनी बॉल है, एन बॉल कितने सेकेंड में टकराती हैं, स्ट्राइक पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बॉल्स टकराती हैं, एन बॉल्स टकराती हैं, तो इन वन सेकेंड, तो वन बॉल, इसका मतलब ये हुआ कि इस वॉल पे एक बॉल ने कितना लीनियर मोमेंटम लगाया, 2 mv। तो समझो बात को, फोर्स ऑन बॉल कितना हुआ, फोर्स ऑन प्लेट कितना हुआ, बोलो फोर्स ऑन प्लेट कितना हुआ, ये तो एक बॉल पे लगा हुआ डेल्टा वी है, डेल्टा पी नेट बाई कितना, डेल्टा टी, यही होता है। तो प्लेट पे एक बॉल ने इतना लीनियर मोमेंटम चेंज किया, और ऐसी ऐसी कितनी बॉल है, एन बॉल्स है, तो कितना आ गया, 2 mnv, ऐसी ऐसी एन बॉल है तो 2 mv इंटू कितना, एन, ये हो गया डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, कितना हो गया एक सेकेंड में, तो कितना फोर्स लग रहा होगा उस पर, 2 mnv। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इन बॉल्स ने तो कितना लगाया इस पर, फोर्स 2 mnv, ठीक है, और तब मुझे कितना लगाना पड़ेगा इधर से, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी एन वी, ठीक है, इतना फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा एजेंट को, कितना उसी के बराबर, कितना 2 mnv। देख लो इसकी यूनिट न्यूटन के बराबर आ रही है क्या, इतना न्यूटन, ठीक है। तो 2 times मास की यूनिट किलोग्राम, एन नंबर ऑफ बॉल्स पर सेकेंड, बॉल्स पर सेकेंड, और वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। कितना आ गया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका होता है, एक्सेलरेशन का, ये किसका, मास का, ये क्या हो गया, न्यूटन हो गया, है कि नहीं। तो इस प्लेट को रोके रहने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 2 mnv लगाना पड़ेगा, अगर एक सेकेंड में एन बॉल्स टकराती है तो। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, गैसियस स्टेट में, जब किसी वॉल को गैसियस मॉलिक्यूल्स टकराते हैं और टकरा के लौटते हैं तो हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे, बात समझे, वहाँ हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं उस वॉल पे, करेंगे हम लोग, ठीक है। दूसरी बात,
अगर मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप से लिक्विड आ रहा है, लिक्विड आ रहा है, पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और यहां से पानी निकल रहा है, लिक्विड निकल रहा है वी वेलोसिटी से, और ये किसी प्लेट पे टकरा रहा है, तो आप बताइए, जैसे आप किसी बॉल को फेंकते हैं, आप धक्का देते हैं, तो बॉल भी तो आपको धक्का देती है। इस पाइप ने पानी को धक्का दिया आगे की तरफ, या बंदूक से गोली निकली आगे की तरफ, तो बंदूक किधर जाती है? पीछे की तरफ। इसको रिकॉइल बोलते हैं। तो अगर जो है पाइप से पानी आगे निकल रहा है तो पाइप को किधर जाना चाहिए? पीछे, धक्का लगेगा पाइप पे। तो पाइप को रोके रखने के लिए कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ना? नहीं समझे आप बात को। पाइप को रोके रखने के लिए तो बोलेगा फाइंड फोर्स नीडेड टू कीप ट्यूब एट रेस्ट या पाइप एट रेस्ट, ये कर लो, या इस पे लगेगा पानी धक्का, इस वॉल पे, पाइप या फिर क्या चीज, वॉल पे, जितना ये उस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा, थ्रस्ट, इट इज कॉल्ड थ्रस्ट, इसी को हम थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? हम लोग कहते हैं कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना बोलो, डी पी बाई डी टी, ये बोलते हैं। पानी के लिए डेंसिटी सॉलिड मैकेनिक्स में जो काम आप, और फ्लूइड में, सॉलिड में जो काम आप मास से करते हैं, फ्लूइड में वही काम डेंसिटी से करते हैं, सॉलिड में जो काम फोर्स से करते हैं, फ्लूइड में वही काम प्रेशर से करते हैं। बात समझ में आई? मास का स्थान कौन ले लेता है? डेंसिटी। फोर्स का स्थान कौन ले लेता है? प्रेशर। ये सॉलिड मैकेनिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स में फर्क है, ठीक है। तो फ्लूइड के लिए आप मास की भाषा में बात करिएगा कि डेंसिटी की भाषा में, डेंसिटी की भाषा में। डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी कितना होता है? डी पी बाई डी टी, पी यानी एम वी, एम वी, ठीक है, एम वी, ठीक है, ये आ गया इतना। स्पीड तो वी तो कांस्टेंट है, तो कितना लिख दोगे? वी डी एम बाई डी टी, ठीक है, इट इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है। वी इंटू डी एम बाई डी टी की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम पर सेकेंड, ये होगी ना। और किलोग्राम पर सेकेंड को तुम लिखोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, क्या ऐसे लिख सकते हो? डायमेंशन से सोचो, किलोग्राम पर सेकेंड को हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होता है? रो, ये क्या हुआ? एरिया, ये क्या हुआ? वेलोसिटी। बात समझे? तो वी इंटू डी एम बाई डी टी की जगह क्या रखे तुम? रो ए वी, तब कितना फोर्स लगने लगा? रो ए वी स्क्वायर, दिस इज थ्रस्ट। कितना थ्रस्ट लगता है? रो ए वी स्क्वायर, तो इतना आपको लगाना पड़ेगा। तो इस बात को ख्याल रखिएगा, यही डी पी बाई डी टी लिक्विड के केस में कितना हो जाता है? रो ए वी स्क्वायर हो जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि बर्नौली थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि जब किसी लिक्विड में, किसी वेसल में कोई लिक्विड भरा पड़ा है और इससे वाई गहराई पे एक ओरिफिस है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? रूट टू जी वाई, आप बताइए, होती है ना? अरे पढ़े होगे तुम लोग, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स बोलते हैं इसको, इसकी वेलोसिटी रूट टू जी वाई होती है। ये तो बंदूक से गोली मारने जैसा है, गोली आगे गई बंदूक पीछे गया, तो क्या बर्तन वहीं रुका रहेगा? पीछे जाएगा, पीछे जाएगा। अगर ये स्मूथ है तो क्या होगा? पीछे जाएगा। अगर ये स्मूथ है तो क्या होगा? पीछे जाएगा। तो अगर किसी ड्रम में आप पानी रख दीजिए, ठीक ठीक, आप रिकॉइल को समझिए ना, आप ट्यूब ले लीजिए हाथ में और पानी जो है ट्यूब से जा रहा है बाहर, और आप जिस सरफेस पे खड़े हो वो स्मूथ है, पानी आगे जाएगा और आप पीछे जाएगा, मतलब चल के नहीं जाएगा, ऐसे ही जाएगा अगर स्मूथ है तो, ठीक है। तो यहां भी अगर आपने इस ट्यूब को हाथ में लिया हुआ है, ठीक है, तो आप धक्का दे रहे हैं पानी को आगे और वो आपको पीछे ले जाएगा, अगर यहां फ्रिक्शन नहीं है तो। वो तो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाते हैं ना हम लोग। यहां भी तुम गोली बंदूक की तरह सोचो, ये बंदूक है और ये गोली है, तो बंदूक किधर जाएगी? पीछे। तो उसको होल्ड करने के लिए कितना फोर्स लगना चाहिए? ठीक है, यहां भी थ्रस्ट ऑन, थ्रस्ट ऑन क्या? वेसल, ये कितना हो जाएगा? रो ए वी स्क्वायर। एरिया इसका यूज कर लीजिएगा आप, स्मॉल ए, तो रो एरिया स्मॉल ए, और वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू जी वाई। आप देख रहे हैं जैसे जैसे वाई घटेगा वैसे वैसे थ्रस्ट की वैल्यू भी घटेगी, यानी जैसे जैसे लेवल घटेगा आपको फोर्स कम लगाना पड़ेगा। इस थ्रस्ट का अगर ग्राफ ड्रा कीजिएगा वाई के साथ तो कैसा आएगा? देखिए थ्रस्ट का ग्राफ वाई के साथ,
वाई का पावर वन थ्रस्ट, स्ट्रेट लाइन, नहीं समझे? या ऐसे पूछ सकता है कि यहां पे एक रस्सी बांध दिया, इस रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा? वास्तव में गोली पीछे भाग सकती थी, इसका टेंशन उसको रोक लिया, तो टेंशन किसके बराबर हो जाएगा? इसी के बराबर हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इससे गोली के द्वारा इस पे लगने वाले थ्रस्ट को यही टेंशन बैलेंस कर ले रहा है। मेरी बात समझे? तो टेंशन इतना हो जाएगा। बात समझ में आ रही? वही अपना डीपी बाई डीटी फ्लूइड के केस में कितना हो जाता है? रो ए वी स्क्वायर हो जाता है। और बर्नौली इक्वेशन लगा के वी की वैल्यू कितनी आती है? रूट टू जी वाई आती है। यानी इस पे कितना थ्रस्ट लग रहा होगा? इतना लग रहा होगा, थ्रस्ट और वाई के बीच इतना ग्राफ होगा। या तो ऐसे बात कर लीजिए, या फिर क्या चीज, रस्सी इसमें बांध दीजिए, रस्सी में टेंशन ही थ्रस्ट को बैलेंस करेगा, यानी टेंशन इतना हो गया और टेंशन का ग्राफ भी वही होगा। बात समझ में आ रही है? फिर मैं कहता हूं कि इसी को थोड़ा आगे बढ़ाइए। एक ट्यूब है ऐसी, और ट्यूब ऐसे बेंट हो गई, ट्यूब ऐसे बेंट हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रह गया, ए यहां भी है और ए यहां भी है। ऐसे जाती है फ्लूइड, ऐसे लिक्विड जाता है और ऐसे लिक्विड चला आता है, ऐसे टकराता है और ऐसे आ जाता है, ठीक है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, वेलोसिटी यहां भी वी है, यहां भी वी होगी ही। अब बताइए, ये ट्यूब को यहां बनाए रखने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो वही फोर्स को थ्रस्ट बोलेंगे, फाइंड थ्रस्ट ऑन ट्यूब। क्या बोलिएगा? थ्रस्ट ऑन ट्यूब। तो थ्रस्ट ऑन ट्यूब हो जाएगा कितना? पी कितना? इतना, रो ए वी स्क्वायर। अगर ये बिल्कुल सीधा जाता, ठीक है, इसका कितना आ जाएगा लीनियर मोमेंटम? डी बाई डी टी ऑफ एम वी, डी टी हटा दीजिए तो इतना वी डी एम बाई डी टी। एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना? डी पी बाई डी टी। ये बोलोगे तुम? इतना बोलोगे ना? यहां पे लीनियर मोमेंटम कैसे चेंज किया ये हम निकाल लें, यही ना? डी पी बाई डी टी, डी पी बाई डी टी, डी पी क्या होगा बोलो? किलोग्राम एम वी, मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को क्या लिखे थे हम लोग? किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू कितना? मीटर स्क्वायर, ठीक है? किलोग्राम सेकेंड को लिखे थे ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर, ये तो बच गया नीचे मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू ऊपर मीटर चाहिए, इंटू कितना? नीचे मीटर स्क्वायर क्या? नहीं, ऊपर मीटर, मीटर दो बार चाहिए क्या? मीटर स्क्वायर इंटू कितना? मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे लिखें क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है? रो एरिया इंटू मीटर, इंटू मीटर, अच्छा बाई सेकेंड करोगे तो इतना आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक बात तो है, ठीक है? तो इस पूरे को साथ ले लो ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर ले लो इसको, नहीं समझे? डीपी की वैल्यू कितनी हो गई? एम वी, एम तो किलोग्राम हो गया, वी कितना हो गया? मीटर पर सेकेंड, फिर एक सेकेंड आ गया, इतना आ गया। इसको तुम लिख सकते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कितना हो गया? नीचे मीटर आ गया, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ऐसा क्या? देखो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? तो रो इंटू एरिया ए इंटू वी स्क्वायर, ये तो थ्रस्ट अपना आ ही गया था, नहीं? यहाँ पे आई कैप जे कैप से करना पड़ेगा, करिए बताते हैं, लिख लीजिए। जैसे अगर कोई ट्यूब है ऐसे, और ये किसी वॉल पे कितना थ्रस्ट लगाएगी बताइए? रो ए वी स्क्वायर। वही अपना डीपी बाई डीटी क्या हो जाता है? रो ए वी स्क्वायर हो जाता है। और अगर कोई ट्यूब ऐसी है, यहां से मैं फायरिंग कर रहा हूं और ट्यूब से ऐसा लग रहा है इधर जा रहा है, तो ये उस दीवार पे कितना लगाएगा?
रो ए वी स्क्वायर दीवार पे लगेगा इधर की तरफ, और इतना ही इस ट्यूब पे लगेगा पीछे की तरफ। नहीं समझे? ये गन हो गई ना, गन पे इतना लगेगा रो ए वी स्क्वायर, बुलेट पे भी उतना लगेगा रो ए वी स्क्वायर, दोनों एक दूसरे पे। क्यों? गोली आगे गई क्योंकि उसका मास कम है और बंदूक यहीं रह गई क्योंकि मास ज्यादा है। अगर बंदूक वाला हिस्सा हल्का हो जाए ना और गोली वाला भारी हो जाए तो जो मार रहा वही पीछे भागेगा लेकर के उसको। तो इस वाले गन में, इस वाले वॉल पे इतना लगा रो ए वी स्क्वायर, गन बुलेट ने वॉल पे लगाया और इसने इस पे लगाया रो ए वी स्क्वायर। आप बात समझिए, इन दोनों प्रॉब्लम को जोड़ दीजिए। हो क्या रहा है कि ऐसा ट्यूब हो गया है, ऐसा ये जो पानी जा रहा है वो यहां धक्का लगा रहा है। क्यों? कितना? रो ए वी स्क्वायर का थ्रस्ट लगा रहा है, थ्रस्ट यहां पे लगा रहा है वन वाला, और ये पानी जो इधर आ रहा है उसको इस वाले ने धक्का लगाया होगा तभी इधर जा रहा है। तो ये वाला क्या किया होगा, इस पे थ्रस्ट पीछे लगाया होगा, थ्रस्ट टू। नहीं समझे बात को? ये सीधा थ्रस्ट ऐसे लगाया और यहां गोली इधर जा रही है तो बंदूक पे उधर फोर्स लगाएगी। बात समझ में आई? फिर से दोहराए इसको। तो इस थ्रस्ट की वैल्यू भी कितनी है, रो ए वी स्क्वायर। इन दोनों का नेट कितना आ जाएगा, रो ए वी स्क्वायर अंडर रूट टू। कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे। बात समझ में आई? तो उसका आंसर ऐसे देख लेंगे, इसका रो ए वी स्क्वायर और ये गोली आगे गई बंदूक पे पीछे फोर्स लगाएगी, रो ए वी स्क्वायर अंडर रूट टू। तो इस ट्यूब पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि ये रुका रहे, उल्टा फोर्स इतना लगाना पड़ेगा ताकि ये रुका रहे 45 डिग्री पे। बात समझ में आई? ठीक है, यही ऐसे बोल सकता है। यही ऐसे बोल सकता है कि कोई ट्यूब है ऐसी ऐसा और ये 60 डिग्री मुड़ गया, 60 डिग्री, और पानी ऐसे जा रहा है और ऐसे आ रहा है। तो आप क्या बोलिएगा, ये लिक्विड जो इस पे जा रहा है इधर फोर्स लगाएगा कितने का, F1 रो ए वी स्क्वायर, और ये गोली आगे गई तो बंदूक पे पीछे फोर्स लगाएगी कितना, रो ए वी स्क्वायर। तो थ्रस्ट बाई लिक्विड ऑन, थ्रस्ट बाई लिक्विड ऑन ट्यूब, ये कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, दो वेक्टर इक्वल है, एफ नेट कितना आ जाएगा बोलो, एफ रूट थ्री आता है ना वेक्टर सम, एफ कितना है रो ए स्क्वायर रूट थ्री। आंसर इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? वही अपना डीपी बाई डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्लूइड के केस में क्या हो जाता है, रो ए वी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका प्रूफ फिर से देख लीजिए एक बार, जो हमने कहा था कि अगर कोई ट्यूब आता है ऐसे और ट्यूब में पानी ऐसे आता है और ये यहां से पानी चला गया आगे, तो इसकी वेलोसिटी तो v है, अगर इसको बॉल मानूं तो एक सेकंड में कितना मीटर चल पड़ेगा बताइए, v मीटर चल पड़ेगा। इसका एरिया a है तो इतना पानी बाहर आ गया एक सेकंड में, है कि नहीं? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ वेसल कितना है बताइए, a इंटू वी इन वन सेकेंड, वेसल इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में कितना पानी आ गया, आ गया एवी, है कि नहीं एवी। और तो मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कमिंग आउट इन वन सेकेंड कितना आ गया बताइए, इसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए रो एवी, है कि नहीं? तो मास पर सेकेंड, यही तो डीएम बाई डीटी था, तो डीएम बाई डीटी की वैल्यू कितनी आ गई रो एवी, है कि नहीं? और आप क्या कहते थे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, और यहाँ पे v कांस्टेंट है, p की जगह mv रखिए, d बाई डी टी ऑफ कितना mv, v को m किसको बाहर लेंगे, v बाहर ले लीजिए, v इंटू डी एम बाई डी टी, और डी एम बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई रो ए वी, तो कितना आ गया रो ए वी स्क्वायर। चाहे डायमेंशन से करिए चाहे ऐसे फिजिक्स से कर लीजिए। बात समझ में आई? ठीक है, लिख लीजिए ये वाली बात भी लिख लीजिए, इन दोनों प्रॉब्लम का जोड़ है, दिस प्रॉब्लम प्लस दिस प्रॉब्लम इक्वल दिस प्रॉब्लम। ठीक है,
यहां से वो ब्लो कर रहा है, ठीक है, यहां से वो ब्लो कर रहा है और ये बुलबुला बन गया। वो कितने स्पीड से ब्लो करे कि बुलबुला अब अलग हो जाए, है कि नहीं। तो बाहर प्रेशर अगर पी नॉट है, तुम पढ़ोगे सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में, पी नॉट प्लस 4T/R होता है भीतर। पढ़े हो क्या प्रेशर? भीतर इतना प्रेशर होता है, मतलब जान लो, पढ़े तो तुम नहीं हो। अब इतना जो पार्ट है, इतना जो पार्ट है, इतने पार्ट पे दोनों ओर से फोर्स बराबर। इधर से लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा? रो ए वी स्क्वायर। और वो कितना लगाएगा? जितना प्रेशर है, पी नॉट प्लस 4T/R इंटू क्या एरिया? ये एरिया है कि नहीं। ये बराबर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा दिस इक्वल टू दिस। बात समझ में आई? इधर से ब्लो करने लगा, फूक रहा है वो रो ए वी स्क्वायर, और इधर से एक्सेस प्रेशर टोटल इतना, दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस, मतलब दोनों बराबर होने चाहिए। जस्ट थोड़ा सा धक्का और ये बुलबुला बाहर हो जाएगा। तीन नंबर का प्रॉब्लम, मेरी बात समझ रहे हो ना? तो इस चीज को दिमाग में जाने दो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, इट इज न्यूटन सेकेंड लॉ। और ये रो ए वी स्क्वायर हो जाता है किस केस में? फ्लूइड के केस में। बात समझ में आई? लिख लीजिए वाला भी। एक क्वेश्चन है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी हम लोग बोलते हैं, और डी बाई डी टी ऑफ पी इज एम वी। पिछले प्रॉब्लम में तो अलग वी कांस्टेंट था, अगर मास और वी दोनों वेरिएबल हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा इंटू क्या चीज? पहले का डिफरेंशियल। तो m इंटू कितना? डी वी बाई डी टी प्लस कितना? v इंटू डी एम बाई डी टी, ऐसा बोल देंगे। तो अगर f इज इक्वल टू इतना आप बोलते हैं, तो आपको पता है डी वी बाई डी टी को ही आप क्या बोलते थे? एक्सेलरेशन। और डी एम बाई डी टी को क्या? v डी एम बाई डी टी को क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। मेरी आप बात समझे? तो f इज इक्वल टू कितना आ गया? एम ए प्लस कितना? v रिलेटिव dm by dt, ऐसा आ गया। और इसी dm by dt, v रिलेटिव dm by dt को क्या बोलते हैं आप? थ्रस्ट बोलते हैं अलग से। अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो dm by dt क्या हो जाएगा? जीरो। तो f क्या हो जाएगा? ma। अगर मास कांस्टेंट हो जाए तो dm by dt जीरो और f इज इक्वल टू ma। पहली तो बात ये हो गई। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई चेन है, मान लीजिए चेन है ऐसे, और इस चेन की लेंथ L है, मास M है, इसे आप इस पे लोअर कर रहे हैं, एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ टेबल है, ठीक है, और इस पे ये ऐसे गिर रहा है। अब ये ऐसा हो गया चेन, लाइक दिस ऐसा हो गया है। कितना पार्ट गिर चुका है? X पार्ट गिर चुका है। और कितना पार्ट गिरने को है? L माइनस X पार्ट गिरने को है। X पार्ट गिर चुका है तो ये भी X नीचे आ चुका होगा, फ्री फॉल हो रहा है ये। तो v कितना हो गया होगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। h कितना है? x। इनिशियली रेस्ट पे था, उस वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? रूट 2gx हो गई उस वक्त तो, है कि नहीं। तो आप क्या बोलिएगा? पूछा है फाइंड फोर्स बाय चेन ऑन टेबल, इस मोमेंट पे, एट दिस मोमेंट कितना फोर्स लग रहा होगा। तो सोचने की बात है, क्या टेबल सिर्फ इसके वेट को बैलेंस कर रहा है या अगला आने वाले मास को भी रोक रहा है, उसके आवेग को भी रोक के जीरो कर दे रहा है? तो टेबल दो काम कर रहा है, इसके वेट को भी बैलेंस कर रहा है और अगले जो चेन का अगला लिंक आने वाला है उसको रोक दे रहा है, उसके आवेग को भी रोक दे रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो टेबल पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इतने पार्ट का जो चेन है उसका रिएक्शन, और दूसरा इतना जो आ रहा है उसका आवेग को रोकने वाला इम्पल्स, है कि नहीं। तो बेसिकली हम वो फार्मूला लगा सकते हैं। अच्छा, टेबल पे क्या लग रहा होगा? देखो ये जो चेन टेबल पे पड़ी हुई है, इसका वेट कितना हो जाएगा? अगर एक लंबाई का मास m बाई एल हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? m बाई एल एक्स जी, इसका वेट हो गया। इतना ही ये टेबल रिएक्शन लगा रही होगी इस पर, इतना ही ये इस पर लगा रहा होगा, तो रिएक्शन कितना हो जाएगा?
एम बाई एल एक्स जी। तो टेबल पे एक तो रिएक्शन, इसका वेट को रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, रुका हुआ है, वेट को रिएक्शन बैलेंस कर लेगा, इसके वेट के मैग्नी वेट के बराबर रिएक्शन लेगा टेबल पे, एक तो ये लग रहा है कि नहीं। अच्छा दूसरा चीज क्या लगेगा बोलो, दूसरी चीज क्या होगी कि जो ये डीएक्स पार्ट है थ्रस्ट लेगा, कोई गोली आ रही है ऐसे और गोली आकर रुक जा रही है यहाँ पे, तो गोली इस पे धक्का मारेगी कि नहीं मारेगी, तो ये जो आने वाला चेन है वो उस पे थ्रस्ट लगाएगा कि नहीं लगाएगा, थ्रस्ट लगाएगा। तो इस टेबल पे दो फोर्स लग रहे हैं, रिएक्शन इसके पार्ट का और थ्रस्ट आने वाले पार्ट का, तो फोर्स ऑन टेबल क्या हो गया बोलो, फोर्स ऑन टेबल हो गया क्या चीज, रिएक्शन प्लस थ्रस्ट, और थ्रस्ट क्या होता है वी रिलेटिव डीएम बाई डीटी, है कि नहीं। ओके वी रिलेटिव कितना है, टेबल तो रेस्ट पे है, उसके रिलेटिव में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v थी, तो v रिलेटिव तो v हो गई, और dm by dt, dm by dt यानी क्या चीज, किलोग्राम पर सेकंड, इसको डायमेंशन से करो, किलोग्राम पर मीटर इनटू मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। किलोग्राम पर मीटर मतलब क्या चीज, m by l इनटू मीटर पर सेकंड मतलब क्या चीज, v, तो कितना आ गया m by l v स्क्वायर, है कि नहीं, ठीक है, m by l इनटू v स्क्वायर, और n कितना था m by lx g, और प्लस कितना थ्रस्ट कितना हो गया m by l into v square, m by l into v square, लेकिन v square की वैल्यू कितनी थी 2gx, तो क्या बोल देंगे m by lx g plus m by l into v square यानी 2gx, तो कितना आ गया 3g, 3mg, 3mg by l into x, इतना फोर्स लग रहा होगा, जिसमें इतना तो वेट हो गया और इतना थ्रस्ट हो गया। देख रहे हो थ्रस्ट जो लग रहा है वो वेट का डबल लग रहा है, वो ज्यादा लग रहा है थ्रस्ट, इसीलिए कहते हैं कि वो इंपल्सिव फोर्स है, मेरी बात समझे ना, देख लो ज्यादा नहीं लग रहा है, ये वाली बात समझ में आई, श्योर, फिर से बता दें, जितना पार्ट टेबल पे है उसका रिएक्शन लग रहा है, आने वाले पार्ट का क्या लग रहा है थ्रस्ट लग रहा है, और थ्रस्ट कितना होता है वहां लिखे थे वी रिलेटिव डीएम बाई डीटी, तो इतना आ जाएगा, डीएम बाई डीटी को यूनिट से कर लो ऐसे, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जैसे देखो एक क्वेश्चन ऐसे सोच सकते हो, वेरिएबल मास, यहाँ मास वेरी कर रहा है नीचे वाले टेबल पे, ऐसा हुआ कि एक जो है हॉपर है, ये हॉपर में कुछ रखा हुआ है और यहाँ से कुछ गिर रहा है मतलब, ठीक है, म्यू किलोग्राम पर सेकेंड से, ठीक है, और यहाँ पे एक कार है या एक ब्लॉक है, ठीक है, इस पे एक कांस्टेंट फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है, इसका मास ऑफ कार्ट, इस गाड़ी का मास एम जीरो है, ठीक है, और टी इक्वल टू जीरो पे खाली थी, एट टी इक्वल टू जीरो इट वॉज एट रेस्ट एंड एम्प्टी, रेस्ट पे भी था और एम्प्टी था, यानी टोटल मास कितना था एम जीरो था, जो कि गाड़ी का मास है, फोर्स एफ आप लगा रहे हैं जो कि क्या है कांस्टेंट फोर्स है, पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार कार्ट एज फंक्शन ऑफ क्या टाइम। अब बताइए इस गाड़ी का मास कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल है, क्योंकि वो आता जा रहा है, एक सेकेंड में कितना किलोग्राम आ रहा है म्यू किलोग्राम, तो टी सेकेंड बाद क्या हो जाएगा एट टी इक्वल टू टी कितना हो जाएगा बोलो, इसमें कितना मास आ जाएगा एम जीरो प्लस म्यू टी, इतना किलोग्राम मास आ गया। आप तो फोर्स एफ लगा ही रहे हैं, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, ठीक है, ऐसा हो गया, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी वी थी, और इस जो आ रहा है पार्टिकल उसकी वेलोसिटी कितनी थी जीरो, एक्स में तो ये मूविंग, ये तो फिक्स है ना, ये तो अपनी जगह फिक्स्ड है, और ये वी से आ रहा है, तो वी रिलेटिव थ्रस्ट कितना होता है बोलो, थ्रस्ट होता है वी रिलेटिव डीएम बाई डीटी, तुम्हारे पार्टिकल का मास बढ़ रहा है तो डीएम बाई डीटी क्या है पॉजिटिव है, और वैसे भी सोचो अगर तुम जा रहे हो साइकिल लेकर के ऊपर से कुछ सामान गिरता जा रहा है तो तुम्हारे ऊपर थ्रस्ट किधर लगेगा, पीछे ही लगेगा ना, नहीं समझे, अरे तुम साइकिल लेके जा रहे हो और एक आदमी ट्रक से जा रहा है और तुम्हारे साइकिल पे एक, तुम साइकिल से नहीं जा रहे हो, मान लो कि तुम ठेले लेके जा रहे हो, तुम ठेला लेके जा रहे हो और ऊपर से एक ट्रक वाला आया और एक एक बोरा कुछ गिरा दिया, फिर तुम चले फिर एक बोरा कुछ गिरा दिया, तो तुम्हारे ठेले का क्या होगा, मास बढ़ता जा रहा है और तुम्हारी स्पीड धीमी होती चली जाएगी, है कि नहीं, यानी तुम पे थ्रस्ट किधर लग रहा होगा, पीछे,
कुछ इंस्टिंक्ट से भी काम चला लिया करो कि सब नियम कानून से ही चलाओगे। थ्रस्ट किधर लग रहा होगा? पीछे। थ्रस्ट लग रहा होगा पीछे। इसकी वेलोसिटी किधर होगी? वी होगी आगे। तो फोर्स हो गया कांस्टेंट इधर और थ्रस्ट लग गया पीछे, और थ्रस्ट कितना होगा? वी रिलेटिव डीएम बाई डीटी। तुम इसके रिलेटिव में बैठ के देखोगे तो वेलोसिटी उसकी कितनी होगी। ये पार्टिकल तो रेस्ट पे था, गिरने वाला पार्टिकल की वेलोसिटी वर्टिकल में भले हो, हॉरिजॉन्टल में तो थी नहीं, तो वेलोसिटी इसके रिलेटिव में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? वी। अगर मैं वी वेलोसिटी से जा रहा हूं, ठीक है, मैं वी वेलोसिटी से जा रहा हूं और आप रेस्ट पे हैं, तो मुझे आपकी वेलोसिटी क्या दिखाई पड़ेगी? वी ही दिखाई पड़ेगी। तो वेलोसिटी तो वी ही हो गई। और डीएम बाई डीटी कितना बताइए? म्यू किलोग्राम पर सेकेंड, म्यू हो गई, ठीक है। डीएम बाई डीटी, वी रिलेटिव डीएम बाई डीटी, म्यू वी, इतना हो जाएगा। अब आप क्या लिखिएगा? इस पार्टिकल पे दो फोर्स लग रहे हैं, फोर्स और थ्रस्ट। तो एफ माइनस थ्रस्ट इज इक्वल टू एम ए। एफ तो कांस्टेंट है और थ्रस्ट कितना लग रहा है बताइए? म्यू वी इज इक्वल टू एम इंटू ए। ए कितना होता है? डीवी बाई डीटी। फोर्स तो कांस्टेंट है। इस पूरी चीज को इधर ले आइए, डीटी को उधर भेजिए। डीटी इज इक्वल टू एम इंटू डीवी बाई कितना? एफ माइनस म्यू वी, ठीक है। ये हो गया, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। टाइम टी बराबर जीरो पे, टाइम टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, टाइम टी बराबर टी पे वेलोसिटी वी थी। यहां से आप क्या पालेंगे? वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पालेंगे। टफ लग रहा है क्या? थ्रस्ट लेगा ना पीछे, उसकी वैल्यू इतनी होगी। करके देखिए, उसको सॉल्व करिए, देखिए आ रहा है। नोट करने दीजिए, यहां से निकल रहा है टीक्वल टू जीरो पे। इसमें मास जो है एम जीरो था, इसमें से बाहर निकल रहा है म्यू के जी पर सेकेंड से, ठीक है। और इस पे एक फोर्स एफ लगा रहे हैं, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ कार्ट एज फंक्शन ऑफ टाइम, वो करके आप इसको ट्राई करेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को ट्राई करना, खोपड़ी थोड़ी खुलनी शुरू हो जाएगी। वेलोसिटी, एक बात बताओ, मैं चल रहा हूं और चलते चलते मैं पेन गिरा देता हूं तो मुझे झटका लग रहा है क्या? नहीं ना। अगर बॉडी मेरे रिलेटिव में रेस्ट पे है और मैं छोड़ देता हूं तो कोई थ्रस्ट लगता है क्या? नहीं। तो यही तो हो रहा है यहां पे, यहां थ्रस्ट लगेगा ही नहीं क्योंकि चलते चलते उसी में से गिर जा रहा है। उसे वो तो किसी अपने रिलेटिव में जब फेंकूंगा तब ना थ्रस्ट लगेगा। अगर मैं बॉल को अपने रिलेटिव में फेंकता हूं, मैं 5 से हूं और उसे 20 से फेंकता हूं तो मुझे क्या लगेगा? थ्रस्ट लगेगा। मैं 5 से हूं और मैं चलते 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 तो झटका लग गया क्या? ऐसा कि रुक गए? ऐसा झटके की वजह से नहीं रुके, अपने मन से रुके, ठीक है। यहां कोई थ्रस्ट नहीं लगेगा भाई, क्या लिखोगे? टी टाइम पे इसका मास कितना हो जाएगा? एम जीरो माइनस म्यू टी। हाँ, और फोर्स कितना लग रहा है इस पे? एफ, ठीक है कि नहीं? तो F कितना हो गया? F इज इक्वल टू एम ए। थ्रस्ट कितना लगेगा? जीरो। कुछ अपने इंस्टिंक्ट से भी सोच लिया करो, खुद समझ में आ रहा है यहाँ पे? नहीं समझ में आ रहा है। न्यूटन सेकेंड लॉ से समझोगे तो शायद मुश्किल पड़े, मुश्किल तब भी नहीं पड़ेगी लेकिन फिर भी ऐसे समझ लो। थ्रस्ट जीरो हो गया। फोर्स कितना लग रहा है? कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है। तो ये कॉन्स्टेंट हो गया F, मास एम जीरो माइनस म्यू टी इंटू ए। ए कितना होता है? डीवी बाई डीटी। पिछली बार लीनियर फंक्शन था क्या? यहां कितना आ जाएगा? एफ डी टी डिवाइडेड बाई एम जीरो माइनस म्यू टी इज इक्वल टू क्या? डी वी। इंटीग्रेट किए, टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो थी, टाइम टी पे वेलोसिटी वी हो जाए। अच्छा, ऊपर हो जाएगा क्या ये? हाँ, ठीक। सही था क्या? F इंटू डी टी बाई एम जीरो माइनस म्यू टी, सही था ये? ये सही है, ठीक है। इतना आ जाएगा F इंटू डिस्टेंस, यहां से वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी पर। अब तो कर लोगे, ठीक है। पटेल सर की बुक से, कल तुम्हारी क्लास तो है नहीं, कल क्लास ले लें क्या? नहीं ले?
क्या करें, अरे तुम्हारे में काम तो कोई है नहीं, हमारे में बहुत काम है भैया। वेव्स, वर्क पावर, एनर्जी, मैकेनिक्स ज्यादा समझ में आ रही होगी। कोशिश करोगे जितना क्वेश्चन कराएं क्लास में ना उतना करो, सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ अपनी खोपड़ी भी लगाया करो, जैसे यहाँ पे थ्रस्ट वी रिलेटिव जीरो है तो थ्रस्ट जीरो है। बात समझ में आई? यही सब बातें हैं कुछ कुछ। तो दिवाली तक जो आप पढ़े हैं एक बार रिव्यू, पीछे निगाह दौड़ाइए क्या क्या पढ़े हैं हर हर सब्जेक्ट में। ठीक है, अधिकार हो, ठीक है, लैंग्वेज आनी चाहिए। तीसरी बात, प्रोबेबिलिटी पढ़ानी चाहिए। सबसे ज्यादा दिमाग खुलता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में, फिर ज्योमेट्री में। ठीक है, चौथी बात, उन्हें हिस्ट्री ऑफ साइंस पढ़ानी चाहिए। सिर्फ इतने ही सब्जेक्ट होने चाहिए बस, साइंस या टेक्नोलॉजी या इन्वेंशंस, इनकी हिस्ट्री। चार चीज अगर पढ़ा दो ना क्लास 12th तक, वो आदमी बिजली की तेजी से समझेगा चीजें। लेकिन ना ये